What's up boys, Propozero, welcome back to my another video. तो आज हम फिर से एक मिनट फिर से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ब्लॉक की सर्वाइवल सीरीज और यार हमने कंप्लीट कर लिया 2K सब्सक्राइबर वो भी यार इतनी जल्दी यार थैंक्स फॉर द मैसिव सपोर्ट यार मैं सोच नहीं सकता है इतना जल्दी जल्दी तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो तो यार अभी भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक दो ना क्या कर रहे हो फाइकी का गोल है यार तो चलो हम लोग एक न्यू वर्ल्ड बना देते इसको क्लिक करके और ये बन गया है हमारा वन ब्लॉक का सर्वाइवल वर्ल्ड एकदम नया एकदम फ्रेश और यार मुझे पता है इसमें क्या करना होता है इसमें हम लोग मतलब एक ब्लॉक मिलेगा हमें उसको तोड़ तोड़ के हमें बहुत सारे ब्लॉक्स इकट्ठा करने और उसी को तोड़ तोड़ के हमें पूरा एक वर्ल्ड बना देना है यही करना है ना मेरे ख्याल से तो देखो ये रहा वन ब्लॉक तो चलो इसको तोड़ देते हैं हम लोग और ये टूट गया देखो और हमें कुछ भी हमें मतलब अनलिमिटेड ये ब्लॉक्स मिल जाएंगे देखो एक चेस्ट मिल गया हमें और इसमें हमें मिला है कूड़ा कूड़ा नहीं कह सकते काम आ सकता है मस्त में गाजर खाएंगे हम लोग तो चलो यार अब इसको तोड़ देता हूँ पहले काम करता हूँ एक एक्सटेंड कर देता हूँ एक ब्लॉक लगा के अच्छा तो ये ब्लॉक नहीं लगता तो इसको पहले तोड़ ही देता हूँ अभी हाथ से कितना लेट टूटता है यार तो देखो अभी मैं लगाता हूँ आगे और ये देखो लग गया है और इसी तरह मुझे एक्सटेंड करना होगा सब कुछ तो इतने ही थे मेरे पास ब्लॉक्स तो और तोड़ लेते हैं यार मैं कब से हाथ से तोड़ते रहूँगा तो अब क्या करते एक शवल और एक कुल्हाड़ी बना लेते हैं क्योंकि अब तक तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है कब से तो इससे देखो यार कैसे मक्खन की तरह कट रहा है ये क्या एक खरगोश निकला वो मेरा पहला फ्रेंड खरगोश में क्या तू उससे दोस्ती करेगा और तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा मुझे पता है यस देखो कैसे कितने पैर ओह शिट गिर मत जाना मेरे भाई प्लीज़ गिरना मत क्योंकि यार तू ही है जो मेरा पहला दोस्त है यार इस माइनक्राफ्ट में ओके तो हमने काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर दिया अरे भाई क्या प्रॉब्लम है यार क्यों डरा रहे मुझे ऐसे उधर मरना मत तू बस यार प्लीज़ रुक मैं तेरे एक्सटेंड कर देता हूँ बस तू गिरना मत वहाँ से निकल वहाँ से हाँ गुड बॉय देखा बात भी मानने लगा है तो इसी बात पे यार लाइक तो बनता है यार तुम लोग देखो कैसे मक्खन की तरह कट रहा है यार ओ भाई ये क्या मिला ऐसी चीज़ तो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिली सर्वाइवल वर्ल्ड में इसमें मिल गई अच्छा मैं यही खेलूँगा चलो तो हम लोग पहन लेते अपना सूट ओ भाई साहब कितना मस्त लग रहा है मुझे तो यार इन डायमंड को संभाल के रखना पड़ेगा अगर नीचे गिर गए ना तो सब पोपट होगा हमारा तो यहाँ पे पहले चेस्ट डालते हैं और फिर इसके अंदर हम लोग आइटम स्टोर करके रखते हैं वरना यार गंदा पोपट हो जाता है मेरे साथ हमेशा मुझे पता है मेरा अनलक ही ख़राब है एक मिनट ओके तो ये क्या हमें कद्दू मिला है अभी और देखते हैं यार कब कितना मक्खन की तरह ओ भाई साहब मेरा दूसरा दोस्त मिल गया एक मिनट दूसरे दोस्त से याद आया पहला दोस्त आ गया मेरा खरगोश किसने मारा उसे छोड़ूंगा नहीं और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह तो गाइस मेरे पहले दोस्त खरगोश की मौत हो चुकी है मुझे मालूम भी नहीं पड़ी कैसे मौत हुई है पर मौत हुई है उसकी और किसने तो उसे मारा है 100% ये एक मर्डर है मैं देख के कह सकता हूँ कि ये मर्डर हुआ है उसका वेट अ सेकेंड ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तो तूने उसे मारा है ठीक है ओके एक मिनट मेरा तीसरा दोस्त मिल गया ओके यार तो अभी मुझे यार इन लोगों का घर भी बनाना है तो मैं अगर तो फैन से एक छोटा सा बनाया तो नहीं तो यार ये लोग भी गिर जाएंगे मेरे खरगोश की तरह शायद अरे यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं यार गिर जाओगे एक मिनट बस गाजर है ओके आ जाओ यहाँ पे आ जाओ गाजर खाना है तो यहाँ पे आ जाओ वहाँ पे मत जाना मैं यहाँ पे फेंस लगा रहा हूँ ऐसे ही रहना ये मैंने क्या किया मैंने अपने हाथों से उसे मार डाला नहीं पी प्लीज तू मत जाना तू मेरा आखिरी दोस्त बचा हुआ यार तू मत मरना और यार तुम देख सकते हो देखो मेरा नया दोस्त भी मिल गया है मुझे मैं बहुत खुश हूँ और इन लोगों के लिए अभी मैं इनका बंदोबस्त कर रहा हूँ घर बनाने के लिए ओके तो अभी मैं यहाँ पे फेंस लगा देता हूँ और ये अभी तक ये मेरे घर पे नहीं आया है तो जल्दी आ जा देखा कैसे चल के आया मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी डायरेक्ट ही अपने घर पे आ गया ये ना बाद में दो दोस्त और उधर ही रहना अभी किधर जाना मत ओह एक और दोस्त मिल गया चल आ जा तू भी आ जा देखो गाजर का लालच देता हूँ अरे गेट कहाँ पे हाँ ये रहा समझ में नहीं आता कभी कभी ये गेट कहाँ पे सब सेम ही दिखता है और ये बंद कर दिया हुआ ये लोग कोई गाजर नहीं मिलेगा तुमको तुम्हारा चूना लग चुका है जाओ अंदर ही रहो बाहर मत आना हाँ ओह तो हमें एक और दोस्त मिला है जो कि शिप भाऊ तो ये गाजर से नहीं आता तो ये किससे आता है इसको कैसे लाओ अभी अंदर को धकेल के लेके जाना पड़ेगा क्या शायद से और दरवाज़ा कैसे खोलूँ अभी ये बीच में आया खुल गया जा अंदर
अरे शिट, ये लोग बाहर आएंगे। शिट शिट शिट, अरे कैसे देखो बाहर आने के लिए तड़प रहे ये लोग। अरे अंदर ही रहो नुबड़ो, ये लो आ जाओ गाजर खाओ। अरे यार वो चिकन है यार, बाहर निकल। ओ भाई साहब गिर जाना मत चिकन। चिकन मेरा दोस्त, ये दिन तो आ गए पर वो बाहर ही आ गया। उसको बंद कर देता हूँ और उसको समझाता हूँ मैं, भाई ऐसे मत कर, अपने जगह में जाओ, गुड बॉय है ना। एक मिनट, ये अंडा देती है ना। अच्छा गुड गर्ल है ना तू, चलो जाओ बेटा जाओ जाओ। हाँ देखो कैसे सरका के लेके जाना पड़ रहा है। अरे इसको कैसे लेके जाओ, ये समझ ही नहीं रही कैसे देख रही है मुझे। अरे यार, अरे वहाँ पे मंदा गिर जाएगी। ओ वहाँ मत जा यार तू, मतलब एकदम एच पे खड़ी, तो गिर जाएगा, गिर जाएगी। ओके okay, तो अभी एक गाय निकली है। तो यार ये भी यार इससे नहीं जा रही है, इन लोगों को अंदर कैसे लूँ। अब इसको खोलूँगा तो देखो ये लोग तड़प रहे हैं बाहर आने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सीड से ना थोड़े बहुत वीट सुखा लेता हूँ, है ना, थोड़ी सी फार्मिंग कर लेता हूँ, फिर इन लोगों को कहना लालच दे के अंदर डाल सकता हूँ। तो फिर मैं ये पहले तो हो बना लेता हूँ खोदने के लिए। तो फिर यहाँ पर ही मैं कर लेता हूँ, है ना, एक डाल दिया। तो अभी मैं तीन है ना मेरे पास, तो मैं तीनों डाल देता हूँ यहाँ पर ही, और ये उगते रहेंगे जब तक मैं काम करूँगा। और फिर मैं इसको अभी अंदर ले लूँगा। अरे भाग ऐसे, अरे इसके ऊपर क्यों खड़ी है, मैं कहाँ गया वो अभी। अच्छा ओ देखा गाइस, मुझे ये मतलब मेरा सीक्रेट एंट्रेंस है, यहाँ से कोई भी अगर जा तो सकता है पर वापस आ नहीं सकता। तो मुझे मतलब है ना कुछ किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से जाओ अंदर बैठ जाओ और वापस निकल ही नहीं सकते। क्या सही सेटअप बनाया मैंने, तुम लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। ओके तो हमें एक और चश्मे देखते हैं अंदर क्या है। और ये क्या है, पानी है और ये सब सैपलिंग्स है और आइस है और एक पटेटो है। ओके थोड़ा बहुत अच्छा मिला है, पानी मिल गया है ताकि मैं खेती कर सकूँगा अभी अच्छे से। फिर एक बार मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे पानी डालने का। तो फिर ये मैंने स्टेयर वाला ये बनाया है। ओके तो आज अभी लग गया ये, और शायद इसके अंदर हम लोग पानी डाल सकते हैं। तो मैं एक बार डाल के देखता हूँ अंदर पानी, और एकदम परफेक्ट तरीके से यार पानी आ गया है, और इसी तरह इनको पानी मिलते भी रहेगा। तो ऐसे ही हमें एक अच्छा सा फार्म बना रही, तो मैंने बस टेस्ट के लिए किया है। हम लोग साइड में एक मस्त वाला फार्म बनाएंगे और मस्त वाली खेती भी करेंगे। तो अब इसको मैं तोड़ देता हूँ एक बार, इसके अंदर कुछ है नहीं। और ये तोड़ गया, और ये क्या, अंडरग्राउंड लेवल 2 आ गए हम लोग। अंडरग्राउंड मतलब इसमें शायद हमें केव की सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि स्टोन वोन। तो ये भी काफ़ी तगड़ा चीज़ है, मज़ा आएगा अभी करने में माइनिंग। ओके तो मैंने सोचा कि मैं इसके साइड में बिल्कुल भी फार्म बना देता हूँ। तो ये इतना भी बड़ा फार्म नहीं होगा, छोटा सा ही होगा पर एकदम प्यारा सा होगा। तो ये देखो कैसा तगड़ा वाला फार्म बनाया मैंने, है ना, एकदम प्यारा सा। ओके तो चलो अभी हम लोग उगाते हैं इसके अंदर, ये वीट लगा देता हूँ मैं। शायद ये वीट के ही सीड है ना, क्योंकि सिर्फ सीड्स लिखा हुआ है, तो ये वीट के होंगे मेरे ख्याल से। तो ये देखो मेरे पास 6 ही थे फिलहाल तो। और सैपलिंग तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर बेकार दिखेगा अगर पेड़ उग गया यहाँ पे। तो सिर्फ अभी यहाँ पे वीट वीट ही उगाऊंगा। और यार काफ़ी सारा मेरे पास बैग में भरा हुआ है, अगर मैं गिर गया ना तो सब मतलब चल जाएगा। मैं सबको अच्छे से स्टोर करके रख देता हूँ। तो ये ग्रेवल स्टोन तो मुझे नहीं चाहिए, और ये वाले स्टोन भी नहीं चाहिए, ग्रेनाइट, ये एंडेसाइट, और ये कोल वोल भी रख देता हूँ अंदर, और आइस भी डाल देता हूँ, गाजर खाने के लिए रखता हूँ, और ये भी काम आएगा, ये वुड, और ये सैपलिंग भी अंदर डाल दी, तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, मतलब बाद में आ सकते काम। और ये पटेटोज भी डाल दिए। तो मेरे ख्याल से एकदम सही मैंने सेटअप कर दिया है। और अब मेरे पास ये शवल बची है एकदम डैमेज वाली, तो उसका भी टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है, और ये मैंने फेंक दी। हम जरूर मिलेंगे अगले जन्म में, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो भाई मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो हमने अपना एनिमल्स को स्टोर भी कर लिया है यहाँ पे इसके अंदर, और एक मस्त वाला फार्म भी बना दिया मेरे साइड में एकदम। और फिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल चुकी है, देखो डायमंड भी मिल चुके इतने जल्दी। बट यार एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे मॉब्स मेरे स्पॉन क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत से क्रीपर भी स्पॉन होते हैं वन ब्लॉक में, वन क्रीपर होते हैं, ज़ॉम्बीज होते हैं, पर मेरे में अभी तक नहीं आया एक भी। मैं एक घंटे से खेला हूँ पर यार अभी एक भी मॉब स्पॉन नहीं हुआ है। तो पता नहीं ये मोबाइल में नहीं आता क्या, तो यार कमेंट में बता देना ये क्यों हो रहा है ऐसा। बट यार एक तरफ से अच्छा ही है। और ये देखो यार मेरा ये फसल उगने लगा है। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को ठोक दो, और लाइक नहीं किया तो वो तो पक्का ही मतलब फोड़ दो लाइक बटन को। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।